ऐसा धीमा जहर है जो किसी को भी धीरे धीरे खोखला कर देता है। इससे सोचने की शक्ति तो कम होती ही है, साथ ही इसका बुरा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आए दिनों हमें सुनने और पढ़ने को मिलता है कि आज का युवा कभी भांग की तस्करी, कभी चरस की तस्करी और कभी अफीम की तस्करी के साथ पकड़ा जा रहा है, जो कि एक सोचने का विषय है। इन दिनों कुल्लू जिला में 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नशीले पदार्थों, भांग, अफीम की खेती व उत्पादन को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान जिला के विभिन्न भागों से भांग व अफीम को जड़ समेत नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में भुंतर में कृषि विभाग कर्मचारियों द्वारा भांग के पौधों को उखाड़ने का कार्य किया गया और समय समय पर विभिन्न संगठनों के द्वारा भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाता है। वहीं उपायुक्त ऋचा वर्मा का कहना है कि अभियान को जिला भर में सख्ती से कार्यान्वित किया जाएगा। जिला स्तर पर और उपमंडल स्तर पर समितियों का गठन किया जा चुका है। ये समितियां इस अभियान के तहत जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए तत्पर है। साथ ही हमारे कॉलेज युवा और राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सदस्यों ने भी इस अभियान का स्वागत किया। न्यूज प्लस के लिए कुल्लू से कैमरा पर्सन तुलसी सिंह के साथ दीपिका मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। नाम नेहा है, मैं जीटीसी कुल्लू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। प्रशासन के द्वारा जो भांग उखाड़ो और अफीम उखाड़ो की योजना चली है, ये काफ़ी अच्छी है। युवा पीढ़ी को जितना इससे दूर रहे तो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो अपने जो टारगेट लेकर चलते हैं उससे वो बहुत ज़्यादा हट जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी इसके साथ जुड़े। और मैं गंगा ठाकुर, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी जिला अध्यक्ष। जिस तरह से आज के इस समय में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ नशा भी एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, आज का नौजवान स्पोर्ट्स को छोड़कर जिस तरह से बहुत सारे घातक नशा, जिस तरह से भांग, अफीम, हेरोइन और चिट्टा जैसे घातक नशे का सेवन कर रहा है, इस नशे के साथ साथ वह नौजवान ना केवल अपने शरीर का नाश कर रहा है बल्कि साथ में अपने पेरेंट्स को भी इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से भारत सरकार व प्रदेश सरकार ने इस नशे के ऊपर इसकी रोकथाम के लिए जो अभियान चलाया है, ये बहुत ही अच्छा साहस है सरकार का। और मैं चाहता हूँ कि जो नशा सप्लायर है, जो इन नौजवान युवाओं के लिए नशा सप्लाई करते हैं, उनके ऊपर इसी तरह कड़ा से कड़ा शिकंजा कसा जाए ताकि हमारे जो आज के नौजवान नशे से मुक्त हो जाए। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी से। इस तरीके से आज प्रशासन भांग उखाड़ो और अफीम उखाड़ो एक जो कार्यक्रम चला रहा है, यह सच में काबिले तारीफ है। मैं प्रत्येक हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जनमानस से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ, प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में आप सभी कदम से कदम मिलाएं और इस भारत को, हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त करें। जितो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, आज के समय में युवाओं के लिए नशा बहुत बड़े घातक होता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति, अपने जो भी हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको भूल करके आज नशे की ओर जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और आज के युवाओं को नशे की लत से दूर रह करके खेल की ओर अपना रुझान रखना चाहिए और शिक्षा की ओर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। नशे को छोड़ करके अपने भविष्य को लक्षित करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं प्रत्येक युवाओं को भी ये संदेश देना चाहता हूँ और युवाओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें, ये हमारे जीवन को नष्ट करता है, ये हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, ये हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करता है और
हमारे परिवार को ये छिन्न भिन्न करता है। इसलिए इस तरीके का जो ड्रग्स है, ड्रग्स माफिया जो है, जो नशे का जो अवैध कारोबार करते हैं, उनके खिलाफ भी प्रशासन की ओर से निंदा कसा जाना चाहिए। मैं यही निवेदन करता हूं और हमारे संगठन की ओर से जो भी हम प्रयास करेंगे प्रशासन का पूरा सहयोग करने के लिए, जहां भांग उखाड़नी हो, जहां अफीम उखाड़नी हो, जहां ऐसी जो गतिविधियां चल रही है वहां पर अगर प्रशासन का सहयोग करना हो तो हमारा संगठन राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी हिमाचल प्रदेश तत्पर ऐसे कार्यों के लिए प्रशासन की और समाज में ऐसे असमाजों के लिए बिल्कुल विरोध के जो असामाजिक तत्व है उनके विरोध में हमारा संगठन और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता सदैव खड़ा रहेगा। यही हम प्रशासन से कहना चाहते हैं और प्रशासन का जो अभियान है सच में प्रशंसनीय है। हम इस अभियान का पूज और समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।